पापा जी आप अभी तक तैयार नहीं हुए? पापा जी ऑफिस नहीं जाना है, मैं आज फिर से लेट हो जाऊंगा। आज तेरी छुट्टी है करण पुत्र। ओह स्वीटू, आज तुम्हारी छुट्टी क्यों नहीं है? मैं टली अंकल को फोन करके बोलूं क्या? पिया रिलैक्स। करण उदय थोड़ी देर से मिलने आई है। हाय 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 हनी। करण ये लड़की कौन है और ये तुम्हें हनी क्यों बुला रही है? नो 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 करण पुत्र, ये क्या तमाशा है? हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा। हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा पुत्र। पापा जी मम्मी जी मैं कुछ नहीं चला रहा हूँ। शट अप। अरे अंकल जी पर मेरी बात तो सुनिए। प्लीज रब मेर करे ये हमारे घर का मामला है, तुम इसमें ना पड़ो। ओ गॉड आंटी जी मेरा नाम हनी है। क्या क्या? यस हनी वाडिया। हनी तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये उसका नाम हनी है, मैं क्या करूं? तुम उससे बात मत करो, मैं बात करती हूँ। जी मैं करण के शोरूम में नई ट्रेनी हूँ, मैंने आज ही ज्वाइन करना है। वो क्या है ना मुझे ऑफिस का एड्रेस नहीं पता था। ओहो पुत्र इसको एड्रेस नहीं पता था, इसको एड्रेस चाहिए। कोई नहीं तो एड्रेस दे दे इसको। चल दे दे। आंटी जी मेरा मतलब है एड्रेस तो है। वो क्या हुआ ना एक्चुअली टली सर ने बोला कि आज मेरा फर्स्ट डे है ऑफिस में, अब एड्रेस ढूंढूंगी पहुंचूंगी तो लेट हो जाएगा। और करण का घर पास में ही है, उन्होंने कहा कि करण के साथ ही आ जाओ। नो प्रॉब्लम, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलिए हनी। मेरा मतलब है चलिए मेरे साथ, मैं ऑफिस ही जा रहा हूँ। आइए। ओके बाय पिया। बाय अंकल। बाय। हाय रब मेर करे कैसे हो आप? आपको सब बात पता तो होती नहीं है, वैसे आप मेरे बेटे को डांटने लग पड़ते हो, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आई। हाँ नहीं तो ने मुझे कल्प्रिट बना दिया। मैंने क्या किया? नाइस कार। थैंक्स ऑल टू इट। ग्रीन कलर सूट करता है पर कार तो रेड है। मैं आपकी शर्ट की बात कर रही हूँ। थैंक्स अ लॉट। भाई तुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। जरूर कोई काम होगा तुझसे देखना। मुझसे क्या काम होगा? कुछ कहा आपने? नहीं आपसे कुछ नहीं कहा। अब हम दोनों के अलावा है ही कौन इस कार में? आप किससे बात कर रहे हैं? अपनी कार से। ओह सो स्वीट, आप अपनी कार से बात करते हैं। आपको हैरानी नहीं हुई ये बात सुन के? वो क्या है ना मैं भी अपने टेडी बेयर से बात करती हूँ। कोई बात नहीं आप अपनी कार से बात कर लीजिए। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज है। और कोई होता ना तो तुझे पागल कहता, पर ये रिएक्ट भी नहीं कर रही। देख बहुत ओवर स्मार्ट लड़की है, थोड़ा बचकर रहना इससे ठीक है। अरे आज तो फ्री की लिफ्ट है करण, कल पता नहीं और क्या क्या फायदा उठाएगी। हाँ कम हनी हमारे जो बॉस है ना थोड़े से खड़ूस, बात बात पे और कभी कभी तो बिना बात पे भी ना नाराज हो जाते, और थोड़े से ना अजीब भी, बात बात पे पूछते रहेंगे। यू नो अगर तुम्हें पता भी होगा ना तो आई नो मत बोलना और भड़क जाएंगे। और एक और बात है, अगर तुम्हें बचना है ना तो बस चुप रहना, यानी तो यस सर यही बोलते रहना। हाय मनीष। हाय हनी। बहुत मीठा नाम है। थैंक यू, सभी कहते हैं, लेकिन आपके मुंह से सुना और भी अच्छा लगा। कौन सी गाड़ी खरीदनी है आपको? ओए मनीष ये गाड़ी खरीदने नहीं बेचने आई है। तुझे दिखाई नहीं दे रहा ये यूनिफॉर्म में, ये कंपनी की न्यू ट्रेनी है। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? आई एम द बॉस एंड आई एम टेलिंग यू कि ये हमारी नई ट्रेनी है। हाँ? और ये सिर्फ ट्रेनी नहीं है, ये हनी है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड की बेटी है।
और बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करती है, यू नो। थैंक यू अंकल। ये क्या कर रही हो, बिना मतलब का डांट खाओगी? नो नो अंकल, आई एम द बॉस, यू नो। ओके बॉस, थैंक यू। करण, यस बॉस। हनी, तुम्हारे ट्रेनिंग में रहेगी, यू हैव टू ट्रेन हर, ओके? यस बॉस। या बॉस, करण पे पहले इतना वर्कलोड है, उससे अपने काम पूरे नहीं होते। हनी जी को मैं ट्रेन कर दूंगा। तुमसे अपने काम पूरे होते हैं? वो करंट की ट्रेनिंग में रहेगी, यू नो। यस सर। हाँ, यू नो, आई एम द वन आई एम टेलिंग यू। सॉरी सर। करण, यस सर, हनी को अच्छी तरह से ट्रेन करो। यस, ओके। यस सर। कम सो, बॉस ने मुझे तुम्हें सिखाने की जिम्मेदारी। आई एम सो लकी करण, तुम तो शक्ल से ही जीनियस लगते हो। थैंक यू सो मच। सो आज मैं तुम्हें अपने शोरूम के बिजनेस डिटेल्स और स्ट्रेटजी के बारे में बताता हूँ। अरे करण, तुझे भारती साहब के यहाँ से चेक कलेक्ट करने जाना था, तू जा और मुझे बता कि हनी जी को क्या सिखाना है। मैं हनी जी को सब समझा देता हूँ। मनीष, वो चेक मैं कल ऑफिस से जाते हुए ही कलेक्ट कर चुका हूँ। डोंट वरी, तू टेंशन मत ले, जा। समझ में आया? नहीं। कोई बात, पहला दिन है ना। ये करण, तूने अपने डिफॉल्टर को कॉल किया या नहीं? अरे बॉस सुबह ही पूछ रहे थे वो। अरे नहीं किया ना यार, क्या करता है तू? तू जल्दी जा, जाके कॉल कर और मुझे बता कि हनी जी को क्या सिखाना। मैं हनी जी को सब समझा देता। मनीष, मैं ऑलरेडी कॉल कर चुका और आज शाम तक पेमेंट्स भी आ जाएंगे। अब तू जा, क्योंकि तू मुझे डिस्टर्ब कर। मैं? हाँ तू। और अगर तू नेक्स्ट टाइम इस टेबल पर आया ना, तो मैं बॉस को कंप्लेन कर दूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हनी, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बिलिंग करना भी सिखा दूँ। मिस्टर सिन्हा की बिल्स बनाने, आज शाम को तुम मेल कर देना। करण, अब मैं बिल्स बनाऊंगी, कुछ गलती होगी फिर तुम ठीक करोगे, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा वक्त लग जाएगा? हाँ वो बात तो है। तो फिर बिल्स तुम ही बना दो ना। ठीक है, लेकिन तुम फिर सीखोगी कैसे? सीख लूंगी, बहुत वक्त है, लेकिन अभी के लिए तो बिल्स अर्जेंट है ना। तो मैं अभी बिल्स बना लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बाकी की चीजें सिखा दूंगा। बिल्कुल। करण, एक सेकंड। हेलो, हाय। हाय। हॉट हो? नहीं नहीं। आई नो, करण ने तुमसे थोड़ा रूडली बात किया। मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था हनी। क्या कहा आपने? मैं तो बस आपकी हेल्प करना चाहता था। नहीं, उसके बाद आपने मेरा नाम लिया हनी। हाँ, सो स्वीट। आपने ना मुझे विकी की याद दिला दी, वो भी मुझे ऐसे ही हनी बोलता था। विकी कौन? बॉयफ्रेंड? नो, स्कूल फ्रेंड। मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। आपका? आपका बॉयफ्रेंड नहीं है? झूठ बोल रहे हो। नहीं बाबा, ये सब छोड़ो, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम करण की बात का बुरा नहीं मानना। नो नो, नॉट एट ऑल। देखो क्या है ना, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक जिनके साथ काम किया जाता है लाइक करण, और दूसरे जिनसे दोस्ती की जाती है लाइक यू फ्रेंड्स। मनीष, वो एक्चुअली मैं सब कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू मनी। बाय बाय। हनी,
करण ये देखो ना हनी ये तुम्हारा काम है इसे तुम्हें खुद करना चाहिए प्लीज करण प्लीज कर दो ओके हनी अगर तुम अपना सारा काम दूसरों से करवाओगी तो खुद काम कैसे सीखोगी तुझे क्या प्रॉब्लम है यार मैं कर रहा हूं ना सारा का सारा काम तुझे थोड़ी कह रही है करने को मैं कर रहा हूं इनका कुछ भी नहीं हो सकता गुड नाइट स्वीटू स्वीटू आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा है तो फ्रिज से वो फैमिली पैक निकाल कर खा लो नहीं नहीं फ्रिज से नहीं दुकान से या दुकान में भी ना आइसक्रीम पार्लर में भी वो फ्रिज वाली आइसक्रीम ही होती है तो तुम समझ नहीं रहे हो मुझे तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाकर आइसक्रीम खानी है या प्लीज आज लॉन्ग ड्राइव नहीं देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ मुझे सोना है प्लीज मुझे बहुत नींद आ रही है ओके ठीक है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी सो जा हेलो हाय करण व्हाट्स अप हाय हनी उसका नाम है अब नथिंग मच तुम बताओ करण मेरे लिए एक छोटा सा फेवर कर दोगे वो एक्चुअली मखीजा साहब का अग्रीमेंट है वो तो मेरे लिए बना दोगे पर हनी वो तो तुम्हें बनाना था आई नो पर मैं ना अपने बेस्ट फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में आई हुई हूँ तुम प्लीज मेरे लिए बना दो देखो हनी तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते नहीं वो बात नहीं है मुझे नींद आ रही है पर करण मैं भी तो पूरी रात जागूंगी ना पार्टी में थोड़ी देर जग के कर लो प्लीज ठीक है थैंक यू सो मच बाय क्या कर रहे हो तुम्हें तो नींद आ रही थी ना हाँ प्रिया नींद आ रही थी पर वो जो हनी है ना वो पार्टी कर रही और कल सुबह मखीजा सर के साथ एग्रीमेंट साइन करना है इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा तो तुम उसका काम क्यों कर रहे हो मैं हनी का नहीं मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ हनी हनी नहीं पिया पिया नाम है मेरा आई नो पिया लेकिन मैं तुम्हें प्यार से कह रहा था रहने दो मेरे साथ आइसक्रीम खाने का टाइम नहीं है और हनी का काम कर रहे हो देख लिया तुम्हारा प्यार पिया हनी बेबी क्या बात है हनी वेरी गुड यू नो एक बात बताओ ये सब तुमने ही बनाया ना ऑफ कोर्स सर और कौन करेगा हाँ यू आर राइट तुमने देखा करण हाँ सर मैंने तो सबसे पहले देखा तुम दूसरों का काम देखते रहो खुद ऐसा काम नहीं करोगे इससे थोड़ी भी अप्रिसिएशन मिले मुझे तो लगता है कि अभी तुम्हें सब काम हनी बेटी से सीखना पड़ेगा क्या क्या देख रहे हो तुम लोग आई वॉन्ट गुड रिजल्ट आई वॉन्ट ग्रेट रिजल्ट यू नो बॉस बॉस तो एक्चुअली क्या है ना मुझे सेल्स के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए थी सो इफ यू आर फ्री 35 लोगों के लिए मेरे कैबिन के दरवाजे हमेशा खुले हैं आओ आओ क्या जानना चाहती हूँ कम कम करण
करण प्लीज ऑल्टो, मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यार तू ना जब से ऑफिस से निकला है ना सड़ा हुआ है। अबे हो क्या गया आखिर है? यार मैंने हनी जैसी बेशरम लड़की आज तक नहीं देखी। क्यों, क्या किया उसने? क्या किया उसने भाई, मैंने रात भर जाकर उसके लिए एग्रीमेंट तैयार किया और उसने ऑफिस में मुझे क्रेडिट ही नहीं दिया। बॉस के सामने झूठे मुंह ये भी नहीं कहा कि मैंने उसकी मदद की है। अरे तो तू कह देता भाई। ऑल्टो कैसे कह देता, मैं उसे फंसाना नहीं चाहता था ना। तो फिर नाराज भी नहीं होना चाहिए ना। और बॉस भी ना कमाल है, मेरा ही किया हुआ काम मुझे दिखाकर कहते हैं करण काम ऐसे करते। बॉस मुझे वहां डांट रहे थे और हनी चुपचाप खड़ी सुन रही थी। वो यही करेगी, मैंने पहले ही कहा था वो जरूरत से ज्यादा तेज लड़की है, उससे बचकर रहना। भाई तू बिल्कुल सही कह रहा था, नींद भी खराब हुई और डांट भी खानी पड़ी। बेवकूफ तो तू है, तुझे उसका काम करने की क्या जरूरत थी है? पिया भी मुझसे यही कह रही थी, पिया भी मुझसे नाराज हो गई। वाह तेरा तो भगवान ही मालिक है। अब मुझे हनी बोले करण प्लीज मेरा काम कर दो, मैं साफ मना कर दूंगा। स्वीटू चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और आइसक्रीम खाते। सो जा, थक गए होगे, नींद भी आ रही होगी ना। यार देखो कल के लिए सॉरी, कल मैं बहुत थका हुआ था लेकिन आज मैं फ्रेश हूँ। हाँ हनी। हाय करण। कैसे फोन किया? करण एक्चुअली मुझे तुम्हारी हेल्प एक बार फिर चाहिए। वो क्या है ना, मेरे कजिन की मैरिज एनिवर्सरी थी तो उसके हस्बैंड ने सरप्राइज पार्टी रखी और मुझे आना पड़ा। तो मुझे लेट हो जाएगा। तुम प्लीज मिस्टर ओबेरॉय के बिल्स रेडी कर दोगे? नहीं हनी। करण प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। देखो ये मेरा पर्सनल टाइम है और मैं इसे वेस्ट नहीं करना चाहता। तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नहीं हनी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ये तुम्हारा काम है, इसे तुम्हें ही करना है। और अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम बॉस से कह देना कि तुमसे हो नहीं पाया। ओके बाय। पिया तुम ऐसे बैठी क्यों? चलो हम लोग ड्राइव पे चलते और आइसक्रीम खाते। मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है बॉस, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। अरे जब मेरे सारे एम्प्लॉइज टाइम पर आते हैं तो एक बॉस को खुशी होगी यू नो। हनी कहाँ आई है? आ जाएगी, कभी ना कभी हम सब लेट होते हैं, ट्रैफिक में फंस गई होगी। तुम हनी हो, हनी के मैनेजर हो, हनी के रिश्तेदार हो, तो उसके भी आप एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो यू नो? जब वो खुद आएगी तो वो खुद बताएगी कि वो क्यों लेट है यू नो। बॉस हनी सॉरी सर। हनी एक्सप्लेनेशन दो। किस चीज का सर? अरे इसी चीज का कि तुम आज लेट क्यों आई हो यू नो। सर वो क्या है ना, मैं रोज करण के साथ आती हूँ और आज जब मैं उनके घर पहुंची तो वो जल्दी निकल चुके थे। करण तुम ऑफिस के लिए जल्दी क्यों निकल चुके थे? बॉस ताकि मैं ऑफिस जल्दी आ सकूं। ग्रेट, फिर क्या हुआ? फिर सर मैंने फटाफट से मेट्रो पकड़ी। हाँ तुमने मेट्रो पकड़ी? तुम्हारे पापा के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, फिर मेट्रो क्यों पकड़ी यू नो? सर एक्चुअली क्या है ना, मुझे अपने बलबूते पर कुछ करना है। अरे हाँ लेकिन अपने बलबूते पर तुम टैक्सी तो पकड़ सकती थी यू नो। कितना ट्रैफिक होता है, अगर मैं टैक्सी में आती ना तो मैं दोपहर को पहुंचती। आई अग्री विद यू। फिर सर लेकिन आपको क्या बताऊं, इतनी जल्दी जल्दी में आई ना, पैरों में मोच आ गई, अब तक यहाँ पे दर्द हो रहा है। हनी तुम्हें इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। करण यस बॉस। तुम कल से हनी को अपने साथ लेकर आओगे? बॉस आई एम द बॉस एंड आई एम टेलिंग यू फाइनल ऑर्डर, कल से तुम हनी को साथ लेकर आओगे। यस बॉस। करण तेरा तो प्रमोशन हो गया, सेल्स एग्जीक्यूटिव से तू हनी का ड्राइवर बन गया। मुझे डांट खिलवा कर खुश हो रही हो हनी? अपने आप को तुम बहुत इंटेलिजेंट समझती हो,
अब देखना, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.